नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर में बढ़ता यातायात खतरे की घंटी बनता जा रहा है। नगर के सबसे अधिक व्यस्ततम बरेठ रोड पर दिन भर भारी यातायात रहता है, जिस कारण से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। ज्ञात रहे कि इसी रोड पर सबसे अधिक शिक्षण संस्थान है और सुबह 7 बजे और दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं बच्चे सड़कों पर होते हैं और हादसे का डर बना रहता है। भारी यातायात पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। बाईपास रोड बनने चाहिए, सीधा हनुमान चौक से सीधा मिले। इसके लिए यहाँ के जो है वो क्या नाम है उदयभान सिंह तोमर अपनी जगह भी ज़मीन भी देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से रास्ता हमारी ज़मीन में से निकाला जाए, वहाँ जो है पुल का निर्माण हो और प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ नागरिक कुछ लोग वो उसका विरोध कर रहे हैं, जो मेरी नज़र में ये गलत है। और बाईपास बहुत जरूरी है, इससे पूरी यातायात परेड रोड की सुधर जाएगी। कई बार घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं और बच्चे इसमें घायल भी होते हैं, चोटिल होते हैं। कई बार अभिभावकों के भी एक्सीडेंट रोड पर हो जाते हैं। तो पहली मेरी तो बात कहनी है, मेरा सुझाव ये है कि भारी वाहनों का प्रयोग किसी भी स्थिति में नगर में बंद होना चाहिए। सुबह प्रातः 7 बजे से लेकर के और शाम को 5-6 बजे तक बंद होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा ये है कि सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है, सीसी रोड है, लेकिन बीच में डिवाइडर नहीं है, इसलिए प्रॉपरली ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। कहीं कोई भी वाहन कहीं से भी ओवरटेक कर लेता है, इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। डिवाइडर बनाया जाना चाहिए ताकि लेफ्ट और राइट साइड का ट्रैफिक अलग अलग मूव कर सके। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी विद्रोही की रिपोर्ट।